हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किचन क्वीन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी अचार, मूली अदरक और हरी मिर्च का अचार। ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग इसे दाल सब्जी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए, हमने मूली का अचार बनाने के लिए 1 किलो मूली ली थी, जिसे हमने 5 से 6 घंटे धूप दिखाकर ले लिया है। आप अपनी पसंद के अनुसार मूली को किसी प्रकार से काट सकते हैं। हमने मूली को लंबा लंबा काट कर सुखा लिया है। तो देखिए, मूली हमारी अच्छे से सूख कर तैयार हो गई है। तो देखिए, हमने मूली के अचार बनाने के लिए कुछ सामान का यूज़ किया है। उसमें हमने 3 से 4 चम्मच सौंफ ली है, जिसे हम भून कर पीस कर इसका पाउडर बनाएंगे। 3 से 4 चम्मच हमने धनिया लिया है, जिसे हम भून कर पीसेंगे। और हमने 20 से 25 हरी मिर्च ली हैं, जिसको हमने इस तरीके से काट लिया है। आप अपने पसंद के अनुसार किसी भी प्रकार से काट सकते हैं। और 2 हमने बड़ी अदरक ली हैं, जिसे हमने काट कर तैयार किया है। आप अपने पसंद के अनुसार अदरक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने मूली का अचार बनाने के लिए ये सिरका लिया है, ये लगभग 1 गिलास सिरका है। सिरका डालने से आपका मूली का अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, तेल डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। और हमने 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। लाल मिर्च आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। 1 छोटा चम्मच हमने लाल मिर्च ली है। और थोड़ी हमने सौंफ ली है, 1 चम्मच हमने सौंफ ली है, जिसे अचार में हम साबुत डालेंगे। इसका फ्लेवर अचार में बहुत ही अच्छा आता है। 2 बड़े चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है। 2 बड़े चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। और स्वाद के अनुसार नमक लिया है। तो चलिए, सबसे पहले अचार बनाना शुरू करते हैं। सौंफ और धनिया को सबसे पहले भून कर पीस लेते हैं। सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, सौंफ और धनिया को एक ही साथ भून लेते हैं। सौंफ धनिया को भून लेने से अचार कभी ख़राब नहीं होता है, और ये आसानी से पीस भी जाता है। तो देखिए, हमारा सौंफ धनिया भुनकर तैयार हो गया है। इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। तो देखिए, हमने जार में धनिया सौंफ का दरदरा पाउडर बनाकर तैयार करते हैं। तो देखिए, मूली के लिए हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, जिसमें हमारा अचार आसानी से मिल जाएगा। मसाला भी हमने पीस कर तैयार कर लिया है, इसको मूली में डाल देते हैं। तो देखिए, मसाला हमने मूली में डाल दिया है, अदरक को भी डाल देते हैं, हरी मिर्च भी डाल देते हैं, सिरके को भी डाल देते हैं। लाल मिर्च भी डाल देते हैं, अमचूर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे हमारे अचार का टेक्सचर बहुत ही सुंदर आएगा। स्वाद अनुसार नमक, सौंफ भी डाल देते हैं, हल्दी भी डाल देते हैं। चलिए, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमारा अचार बनकर रेडी हो गया है। आप इसे 2-3 दिनों की धूप दिखाने के बाद इसे खा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें तेल भी डाल लें। सिरका डालने से आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा, और 1 से 2 साल तक चलेगा। तो देखिए, इसमें 1/2 गिलास गर्म किया हुआ तेल भी डाल देते हैं। सरसों का तेल है, जिससे हमारा अचार अच्छे से पक जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए, इसे भी मिक्स कर देते हैं। अचार को कंटेनर में भर कर रख लें। अगर आप लोगों को मूली और अदरक हरी मिर्च का अचार पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।